नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई। इस खास त्योहार पर मां शारदा मंदिर को सजाया गया। नवरात्र के पहले दिन माता का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि शांतिपीठ में मां शारदा देवी मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के मैहर जिले में पहाड़ में विराजमान है। दशहरा के वक्त नवरात्र में 9 दिन मेले में देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु मैहर आते हैं, जिनके लिए सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। आदिल, सुन पा रहे हैं आप? आदिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आ रही है। आदिल, बताइए इस मेले के बारे में क्या तैयारियां, किस तरह से इस बार रौनक है और क्या इंतजाम है, श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये माँ शारदा देवी का मंदिर जो पावन शक्ति पीठों में से एक मध्य प्रदेश के मैहर से जो पहाड़ में विराजमान है, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, जहाँ पर अभी तक 1 लाख के ऊपर श्रद्धालु दर्शन माँ के दरबार में कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए अब की बार एक अलग तरह से व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी है कि श्रद्धालु जो दूर से दर्शन करने के लिए माँ के दरबार पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट ज्यादा होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में दिक्कत जाती थी। इस पर अब की बार प्रतिबंध जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से लगा दिया गया है कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट या दर्शन गर्भगृह में नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास तमाम श्रद्धालु है जो यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये माई की रसोई है, इसके नाम से यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे संचालित है, जो दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रशासन है यहाँ पे श्रद्धालु की व्यवस्था के लिए कोई भी उपाय नहीं कर रहा। और ये भी बताया जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आदिल पहुंचते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, ताकि अगर संख्या ज्यादा श्रद्धालुओं को होती है या किसी कोई तकलीफ होती है तो उसको सहूलियत समय पर मिल पाए। तो उस लिहाज से व्यवस्थाएं आप कैसे देख रहे हैं आदिल? देखिए, प्रशासन की बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पे नवरात्रि मेला चला जाता है, इसमें तो लगभग 700 के ऊपर पुलिस बल तैनात की जाती है, लगभग 70 के ऊपर यहाँ पे डॉक्टरों की जो स्वास्थ्य विभाग टीम है, यहाँ पे अलग अलग चप्पे चप्पे में जो व्यवस्था है उनसे डॉक्टरों की टीम लगाई जाती है, बिजली विभागों की टीम लगाई जाती है, मतलब कहीं ना कहीं हर विभागों की टीम यहाँ पे जिला प्रशासन मंदिर प्रशासन की ओर से लगाई जाती है। जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो सके, लेकिन अभी फिलहाल जैसे 4 बज रहा हुआ, 4 बजे के लगभग प्रशासन का यहाँ पे आंकड़ा है, वो श्रद्धालु अभी 1 लाख के ऊपर दर्शन कर चुके हैं। और शुक्रिया आपका आदिल जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे समर्थक आदिल खान को आप सुन रहे थे, जानकारी इस मेले को लेकर और यहाँ पर जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को लेकर हैं उनको लेकर जानकारी दे रहे थे आदिल। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आदिल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे थे। इस मेले को लेकर तमाम व्यवस्थाएँ, तमाम इंतज़ाम किए गए हैं इस मेले में।